अब ये यहीं रहेंगी। घर में जगह दिलाने का वादा तो पूरा हुआ, अब आपको आपका हक भी दिलाएंगे माँ जी। इस नागपंचमी में तुम्हारी आहुति दी जाएगी स्वरा, क्योंकि अब होगा तुम पर जहरीला वार। सुहागन के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले किस तरीके से वेदांत अपनी माँ प्रभा को लेकर आएगा घर पर। मतलब अभी तक तो लग रहा था कि कोयल इतनी अगेंस्ट थी, यहाँ पर प्रभा आ भी जाती है, सब लोग उसको देख भी लेते हैं कि स्टोर रूम में किस तरीके से कोयल ने भाई उसको बंद कर दिया था किडनैप करके, और उसको धमकी वगैरह दी थी कि अगर तुम सारा सच बता दोगी तो तुम देख लेना तुम्हारी जान चली जाएगी। और यहाँ पर किसी तरीके से अब ये यहीं रहेंगी। घर में जगह दिलाने का वादा तो पूरा हुआ, अब आपको आपका हक भी दिलाएंगे माँ जी। स्वरा को पता लग जाता है कि भाई प्रभा को स्टोर में बंद किया हुआ है, और यहाँ पर वो सब लोगों को बुला लेती है। सारे लोग आ गए, सब इकट्ठे हो गए, सब लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई ये कौन है, और यहाँ पर सब लोग हैरान भी हो गए उसको देखकर। वेदांत को अभी तक नहीं पता था कि भाई प्रभा जो डांस टीचर है स्वरा की, वो उसकी माँ है, और यहाँ पर उसको ये सच भी पता लग जाएगा। पहले तो बहुत गुस्सा करता है और ये बोलता है कि भाई यहाँ पर क्यों आई है, यहाँ पर रुद्र और कोयल भी उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक से हम देख रहे हैं कि जो इन लोगों की दादी है ना वो ठीक हो गई है। मतलब जैसी प्रभा की एंट्री होती है ना वैसी दादी की तबीयत बिल्कुल अचानक से ठीक हो जाती है, वो चलने लगती है। और यहाँ पर ना डॉक्टर भी बोल देते हैं कि भाई एकदम से मिरेकल हो गया है, ये शायद हो सकता है कि आपके घर में कोई नया मेंबर आया है तो उनकी एंट्री से ये सारी चीजें हुई है, दादी एकदम से ठीक हो गई है। लेकिन यहाँ भाई कोयल तो चाहती नहीं है कि प्रभा की एंट्री हो, और कोयल उसका हाथ खींचती और उसको बाहर ले जाने को ही होती है। इतनी देर में स्वरा आती है और स्वरा बोलती है कि भाई आप देख लो दादी की तबीयत कैसे ठीक हुई है, और अगर ये चली जाएंगी तो दादी दोबारा से बीमार हो जाएंगी और पलंग पे लेट जाएंगी और बोल भी नहीं पाएंगी। और जैसे ही यहाँ पर स्वरा आएगी ना तो वेदांत को भी लगेगा कि भाई ठीक बोल रही है, क्योंकि भाई स्वरा ना दादी के बारे में चिंता कर रही है, और यहाँ घर वालों को ना सबको दादी की भाई बहुत चिंता है। तो अब वेदांत भी आता है और वेदांत ना कोयल को रोकता है, बोलता है कि नहीं मम्मी इनको यहीं पर रहने दो और इनको घर पर लेकर आओ, क्योंकि भाई अगर ये चली जाएंगी तो दादी की तबीयत दोबारा से खराब हो जाएगी। तो देखते हैं अब कोयल क्या करती है कि कोयल और ध्वनि ने तो पहले भी भाई स्वरा के लिए बहुत सारा प्लान बनाया था कि उसकी जान चली जाए, वो घर में एंट्री ना करे। अब यहाँ पर तो प्रभा और आ गई है लोगों के ऊपर, तो भाई अब क्या करने वाले हैं दोनों। वैसे आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर नागपंचमी का मौका है और भाई कोयल लेकर आ जाती है एक नाग, एक सांप लेकर आएगी जो बहुत कटखना और बहुत भयानक होने वाला है, और यहाँ पर भाई हो सकता है कि वो स्वरा को काट जाए या फिर यहाँ पर भाई कोयल की चाल ही उल्टी पड़ जाए, क्योंकि अभी तक कोयल जितनी भी चालें चल रही है ना वो उसी के ऊपर उल्टी पड़ रही है। तो अब देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। वैसे आप मुझे बताइए आपको सुहागन का एपिसोड कैसा लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि इस बार कोयल अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं।